हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, अपने आसपास हम बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जो प्रकृति ने हमें उपहार में दी हैं और जिनका प्रयोग हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। तो बच्चों, आज हम इन्हीं संसाधनों के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे: संसाधनों का अर्थ व परिभाषा, संसाधनों का वर्गीकरण यानी कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, हम संधारणीय विकास के कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे, हम एजेंडा 21 के बारे में बात करेंगे, हम भारत में संसाधन नियोजन पर भी चर्चा करेंगे और संसाधनों के संरक्षण का अर्थ समझेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये चित्र देखिए। अपने जूनियर क्लासेस में आपने हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा था। अब मुझे बताइए कि ये कौन सा मंडल है? जी हाँ, बिल्कुल सही, ये जल मंडल है। तो जल मंडल से हम क्या क्या चीजें प्राप्त कर सकते हैं? जल मंडल से हम जल प्राप्त करते हैं। जल का किस किस चीजों में प्रयोग करते हैं? पीने के पानी में, सिंचाई में, और इसका प्रयोग हम जलीय ऊर्जा बनाने में भी करते हैं। ये क्या है? ये बच्चों तेल क्षेत्र है, यहां से हमें खनिज तेल प्राप्त होता है, डीजल, जिसका कि हम हैं। और ये तो वन है, वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? लकड़ी प्राप्त होती है, हमें औषधियां, हम पल्प बनाते हैं जिससे रॉक्स किस लिए काम आते हैं? खनिज है, खनिज को हम खनन प्रक्रिया द्वारा निकाल, पशु, जीव जंतु, ये जैव मंडल है। पशु भी हमारे बहुत काम आते हैं, ये जो पशुधन होता है इससे हमें डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे दूध, दही, अंडा। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग कृषि कार्यों में भी किया जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से ये सारी चीजें प्रकृति ने हमें दी हैं और इसका प्रयोग हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। इस प्रकार से भौतिक रूप से संसाधन वातावरण की वह प्रक्रियाएं हैं जो मानव के उपयोग में आती हैं। ये स्मिथ और फिलिप्स ने कहा था। अब आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। यह एक त्रिभुज है जिसके एक सिरे पर प्रौद्योगिकी है, एक सिरे पर संस्थाएं हैं और एक और इसके शीर्ष पर प्रकृति है। पर बीच में कौन है? इसके केंद्र बिंदु में, इसके केंद्र बिंदु में मानव है। इसका अर्थ है कि मानव इन सभी साधनों को जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उनका प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के द्वारा उचित प्रयोग करके उन साधनों को संसाधन बनाता है। इसका मतलब हुआ कि मानव का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, जैसे कि हमें जल तो दिया है, लेकिन अगर हम जलीय ऊर्जा, अगर हम डैम्स नहीं बनाएंगे तो हमें जलीय ऊर्जा कैसे मिलेगी? हमें वन तो मिले हैं, लेकिन अगर हमें कागज बनाने की विधि पता नहीं होगी तो हम उसका प्रयोग कैसे करेंगे? इसी प्रकार से हमारे पास चट्टाने हैं, खनिज हैं, लेकिन अगर हमारे पास उचित प्रौद्योगिकी नहीं है और उचित तकनीक नहीं है उनको यूज करने का, तो हम उसका प्रयोग कैसे करेंगे? इसका अर्थ ये हुआ, ना तो पर्यावरण उसी रूप में और ना ही उसके अंग संसाधन है जब तक वह मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में सक्षम ना हो। यानी कि प्रकृति ने हमें दी तो बहुत सारी चीजें हैं बच्चों, लेकिन जब तक मानव उसमें प्रौद्योगिकी का और संस्थाओं का इस्तेमाल नहीं करता तब तक वे संसाधन नहीं कहलाते। तो आइए अब हम देखते हैं कि संसाधनों के एनजीओ यानी कि जो शैक्षिक संस्थान होते हैं। तो बच्चों, ये जो शैक्षिक संस्थान होते हैं ये स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण के लिए बहुत कार्य करते हैं। तो किस प्रकार से हम एनजीओ की मदद लेंगे, किस प्रकार से हम बच्चों और युवाओं की मदद लेंगे? बच्चों, आप लोग अपने स्कूल में इको क्लब बनाया है, आपने अपने स्कूल में, आप उसमें
हर महीने कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं, पेड़ लगाते हैं। यही उद्देश्य है, क्योंकि बच्चों आपके ऊपर अपने देश के भविष्य का सारा भार है, तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि हम प्रकृति को कैसे बचा सकते हैं। महिलाओं की क्या भूमिका होगी, समुदायों की क्या भूमिका होगी और प्रशासन की क्या भूमिका होगी, ये सारी बातें सेक्शन 3 में एजेंडा 21 में बताई गई। उसके बाद सेक्शन 4 में यह बताया गया कि क्रियान्वयन का माध्यम क्या होगा। क्रियान्वयन का माध्यम यानी कैसे हम ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे हम अपनी बात उन देशों तक पहुंचाएंगे और कैसे इनको वास्तविक रूप से इन लक्ष्यों को हासिल करेंगे। जागरूकता कैसे फैलाएंगे, भाई जागरूकता बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए कोई चीज हो रही है लेकिन हमें उसका पता ही नहीं है कि इसका बेनिफिट हमें मिलना है, तो हमारे लिए जागरूकता का प्रसार करना बहुत जरूरी है कि जो भी स्कीम है या जो नई चीज होने वाली है उसका दूसरों तक वो पहुंचे, जनता तक, कि ये कार्यक्रम हमारा लागू होने वाला है। तकनीकी हस्तांतरण, इसका ये अर्थ हुआ कि पहले जो तकनीक हम यूज करते थे, बहुत पुरानी तकनीकें यूज करते थे, तो हमें किस प्रकार से अपनी तकनीकों में, अपनी प्रौद्योगिकी में बदलाव लाना है जिससे कि हम अपने संसाधनों का संरक्षण कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनाई जाए, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनाई जाए जिससे कि वे सभी राष्ट्रों की मॉनिटरिंग कर सकें, सभी राष्ट्रों को देख सकें और सब उनसे प्रेरणा ले सकें उन संस्थाओं से। अब हम बात करते हैं भारत में संसाधन नियोजन की। तो बच्चों भारत में संसाधन नियोजन 3 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप है विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। जैसे कि मान लीजिए आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है, तो आप लोगों को प्रोग्राम्स करने होंगे, कोई डांस करना चाहता होगा, कोई सिंगिंग करना चाहता होगा, कोई ड्रामा में पार्टिसिपेट करना चाहता होगा, लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि कितने बच्चों को डांस आता है, कितने बच्चों को सिंगिंग आती है, कितने बच्चों को ड्रामा करना आता है, तो ये कैसे पता चलेगा। हम पहले एक लिस्ट बनाते हैं बच्चों की कि इतने क्लास के ये बच्चे डांस में पार्टिसिपेट करेंगे, इतने सिंगिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, राज्यों में जो भी संसाधन उपलब्ध है उनकी पहचान करके उनकी एक एनलिस्टिंग करते हैं, उनकी एक तालिका बनाते हैं। हम सर्वेक्षण करते हैं, मानचित्रण करते हैं, अनुमान और मापन करते हैं, यानी जो जो ऐसे संसाधन हैं जिनका मापन किया जा सकता है, जैसे खनिज हैं कि कितने कितना हमारे पास रिजर्व्स उपलब्ध हैं, हम इनका मापन करते हैं। उसके बाद आई बात चरण 2 की। चरण 2 में प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन का ढांचा तैयार करते हैं। अभी आपने लिस्ट बना ली कि इतने बच्चे डांस करेंगे, इतने बच्चे सिंगिंग करेंगे, इतने बच्चे ड्रामा करेंगे, तो फिर अब आपका सेकेंड स्टेप क्या होगा। अब आपको ये जरूरत होगी कि हमें इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, कॉस्ट्यूम चाहिए है, आपको म्यूजिक चाहिए, आपको अपना म्यूजिक बैंड बनाना है। तो ये ठीक उसी तरह से होगा कि आपके पास कोई स्किल है, अब उस स्किल को आपको शो करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से गवर्नमेंट करती है कि उसके लिए कौन सी तकनीक इस्तेमाल की जाएगी, कौन सा कौशल इस्तेमाल किया जाएगा, कौन कौन सी संस्थाएं होंगी जो इसके लिए कार्य करेंगी उस संसाधन को यूज करने के लिए, और उसका एक नियोजन का, उसकी प्लानिंग का एक ढांचा तैयार किया जाता है। जैसे कि बच्चों आपने किया था कि अब आपका सब कुछ रेडी हो गया, आपका प्रोग्राम भी रेडी हो गया, अब आप अपनी क्लास टीचर को बताएंगे, फिर आपकी क्लास टीचर आपका प्रोग्राम आपकी प्रिंसिपल मैम तक लेकर जाएंगी, तो उसके बाद क्या होगा, फिर उसमें से सिलेक्ट किया जाएगा, फिर एक तरह से वो समन्वय बिठाया जाएगा, तो आपकी जो क्लास टीचर होंगी वो आपके और आपके प्रिंसिपल के मध्य एक समन्वय स्थापित करेंगी। तो इसी तरीके से होता है कि संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित किया जाता है, यानी स्टेट लेवल की जो संसाधन विकास योजनाएं हैं और जो नेशनल लेवल की संसाधन विकास योजना है, उन दोनों में कोऑर्डिनेशन होता है। और हमारे भारत में कई सारी संस्थाएं हैं जो इस विषय में काम करती हैं, जैसे कि नीति आयोग है, इसके बारे में आप सर्च करिएगा, यह आपके जूनियर क्लासेस की किताबों में दिया है। जिला ग्रामीण विकास संस्थान है, पंचवर्षीय योजनाएं पहले होती थी हमारे देश में, और कई कार्यक्रम भी चलते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं, उनमें से एक मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम। इन सारे टर्म्स के बारे में आप सर्च करिएगा। अब बात आती है संसाधनों के संरक्षण की। तो बच्चों संसाधनों का संरक्षण यानी बचाव क्यों जरूरी है। अभी हमने बात करी कि संसाधन जो है वो लिमिटेड है, संसाधन सीमित है, यदि हम इनका इसी गति से प्रयोग करते रहेंगे तो ये खर्च हो जाएंगे,
इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे ये संसाधन है, भूमि है, वनस्पति है, खनिज है, मृदा है, जल है, इनका योजनाबद्ध और विवेकपूर्ण उपयोग करना पड़ेगा और अपनी तकनीकों में सुधार करना पड़ेगा जिससे कि संसाधनों का नुकसान ना हो। और हमें वैकल्पिक साधन भी तलाशने होंगे, वैकल्पिक साधन जैसे कि पेट्रोल की जगह हम एलपीजी गैस का इस्तेमाल करें, सीएनजी गैस का इस्तेमाल करें, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि प्राकृतिक संतुलन और पृथ्वी का संरक्षण होगा और यही हमारे विकास का वास्तविक उद्देश्य भी है। तो इस पाठ में हमने संसाधनों का अर्थ और परिभाषा पढ़ी, हमने संसाधनों के प्रकार भी जाने, हमने संधारणीय विकास के बारे में पढ़ा, संसाधन का नियोजन पढ़ा, संसाधनों का संरक्षण पढ़ा। अब एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आपको अपने घर में करनी है, अपने गांव या शहर में पाए जाने वाले संसाधनों की सूची बनाइए और जिन संसाधनों की वहां पर कमी या अधिकता है उनका वर्णन कीजिए। तो बच्चों, आशा है आपको आज की क्लास रोचक लगी होगी। ऑल द बेस्ट।